नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज इस रिपोर्ट में बात करने वाले हैं फिलहाल यहां पर राज ठाकरे, जो महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में अभी फिलहाल ट्रेंडिंग लिस्ट में यहां पर सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राज ठाकरे विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी फैसले आने अभी बाकी हैं। उनके 250 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इसी बीच उनकी संपत्ति को लेकर एक बड़ा खुलासा उनके बेटे करते नजर आ रहे हैं। दरअसल राज ठाकरे की संपत्ति को लेकर बात की जाए तो उनकी संपत्ति और उनके करोड़ों रुपए अब उनके नहीं बल्कि उनके बेटे अमित और आदित्य के हो चुके हैं। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में करीब दशकों से हावी ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी सियासत में उतर चुकी है। पहली सीढ़ी यानी शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने खुद को सत्ता की सियासत से दूर रखा था, लेकिन उनके बेटे और पोते ने एक ही बार में सत्ता के गलियारे में कदम बढ़ा लिया है। बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और उनके पोते आदित्य ठाकरे अपने पिता की कैबिनेट में सबसे कम उम्र के मंत्री बनकर अहम रोल निभा रहे हैं। लेकिन गुरुवार को शिवसेना दरअसल बात कर चले संस्थापक के परिवार के और सदस्य ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा है। ये उनके भतीजे राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे यानी रिश्ते में आदित्य और अमित दोनों उनके पोते हुए। जानते हैं राजनीति में उतरे ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी के इन दिनों चचेरे भाइयों से जुड़े उन हर अनजान बातों पर गौर फरमाए जिन पर अभी तक कोई खास चर्चा नहीं। दरअसल सियासत में आदित्य ठाकरे अपने छोटे भाई अमित ठाकरे से भले ही दशक ज्यादा अनुभवी हों, लेकिन दोनों की उम्र में महज 2 साल का फासला है। आदित्य ठाकरे की उम्र 29 साल है, उनके छोटे भाई ने अभी महज यहाँ पर 27 की उम्र में। लेकिन यहाँ पर बता दें जिन्हें यहाँ पर संपत्ति को लेकर ठाकरे परिवार के लड़कों की संपत्ति को लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है, करोड़ों के पेशे को लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक बताते चले तो आदित्य ठाकरे के पास कुल 16.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तब उन्होंने 10.36 करोड़ रुपए बैंक में जमा कर रखे थे और उनके पास 13,354 रुपए की रकम कैश के रूप में थी। इसके अलावा उनके पास 64.65 लाख रुपए की ज्वेलरी थी। वे 77.66 लाख रुपए कीमत वाली 5 जमीनों के भी मालिक हैं और उनके नाम कॉमर्शियल इमारतों में 2 दुकानें भी हैं जिनकी कीमत 3.89 करोड़ रुपए है बताई गई। लेकिन इस मामले में अब ठाकरे अपने बड़े भाई आदित्य ठाकरे से कहीं आगे हैं। पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक वे करीब 25 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक है। आदित्य ठाकरे के माता पिता को अभी तक उनके लिए जीवन साथी की बताते चले यहाँ पर जिस तरीके से शादी को लेकर भी कई दफा बात हुई है, तो वहीं बहू मिताली राज ठाकरे की बहू मिताली ठाकरे को लेकर भी कई ऐसे तमाम खुलासे हमारे चैनल के माध्यम से हमने आपको अपने पैकेजेस के थ्रू दिखाए हैं। तो वहीं पर इनकी संपत्ति को लेकर भी अब बड़ा खुलासा हो रहा है। तो वहीं महाराष्ट्र में जो सियासी सरगर्मी है वो अब लगातार बढ़ती चली जा रही है और अब राज ठाकरे की गिरफ्तारी को लेकर तमाम तरह की जो दलीलें हैं वो पेश की जा रही हैं, खुलासे हो रहे हैं और उनको लेकर कई तरह के बयान जो है सामने निकल कर आ रहे हैं। उनके 250 कार्यकर्ता फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि अब राज ठाकरे को लेकर आखिर क्या बयान सामने निकल कर आता है, क्या ठाकरे परिवार का ये वारिस अब जेल की हवा खाएगा या फिर कई अन्य दलीलें उनके लिए पेश की जाएंगी। तो आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।